एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। इस मेकअप लुक को आप आने वाले फेस्टिवल्स में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्किन केयर करेंगे तो यहाँ मैं टोनर यूज कर रही हूँ, इससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी। सबसे पहले अपने लिप को मॉइस्चराइज करेंगे तो यहाँ मैं निविया का लिप बाम यूज कर रही हूँ। इसके बाद हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है क्योंकि अभी का जो वेदर है इसमें हमारी स्किन काफी ड्राई और पैची हो जाती है। तो यहाँ मैं गुड वाइब्स की फेशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मेकअप करने से पहले हमें अपने स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। और बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें फाउंडेशन लगाने के बाद स्किन काली पड़ जाती है, ये प्रॉब्लम भी इससे नहीं होगी। इसके बाद हमें प्राइमर यूज करना है। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज करूंगी उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं मेवलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसे अपने हाथों पे लेकर पूरे फेस पे और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है। फिर इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज ना करें, इससे हमारी फाउंडेशन या क्रीम तो वेस्ट होगी ही और ये अच्छी तरह से ब्लेंड भी नहीं होगी। इसलिए जब भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करें उसे पानी में डिप करके उसे अच्छी तरह से स्क्वीज करके ही यूज करें। फेस को कंसील करेंगे तो यहाँ मैं NYB का कंसीलर यूज कर रही हूँ। इसे अपने आईलिड एरिया और डार्क सर्कल्स पे अप्लाई कर लूंगी। फिर इसे भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से डैब डैब करके हमें ब्लेंड कर लेना है। अब अपने बेस मेकअप को सेट करेंगे तो इसके लिए मैं मेवलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, जिसे मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल बटन को जरूर क्लिक करें, इससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो अपने आईब्रो को फिल करेंगे तो इसके लिए मैं हुडा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ग्रे शेड लेकर इससे अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। इसे हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमारी जो आईब्रोज की शेप है बस उसे ही डिफाइन कर लेना है, इससे ये बिल्कुल नेचुरल लगेगी। अब इसे स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब एक ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे क्योंकि मैंने उसे डैब डैब करके अप्लाई किया था, उसे अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं किया था। कंसीलर लेकर अपने आईब्रोज के अपर और लोअर साइड पे अप्लाई कर लेंगे जिससे हमारी आईब्रोज अच्छी तरह से डिफाइन लगेगी और इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है।
और थोड़ा कॉम्पैक्ट लेकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आई शैडो अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं हिलेरी रोडा का आई शैडो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें से हमें पिंक कलर लेना है और इसे अपने पूरे आईलिड एरिया पे और क्रीज लाइन पे अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेना है। इसे मैं थोड़ा डार्क ही अप्लाई कर रही हूँ। सेम पैलेट से गोल्डन कलर लेकर इससे अपने ब्राउ बोन और अपने फेस को हाईलाइट कर लेंगे। अब आईलाइनर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मैं लैक्मे का गोल्डन कलर का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। इसे छोटा सा विंग ड्रॉ कर लेंगे। अब व्हाइट काजल अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं मिस क्लेयर का व्हाइट काजल यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे ब्लैक काजल का भी यूज कर सकते हैं। अब मस्कारा अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं लैक्मे आइकॉनिक का कर्लिंग मस्कारा यूज कर रही हूँ। इसे हमें अपने अपर लैश और लोअर लैश दोनों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। अब लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। मैंने आई मेकअप को लाउड रखा है इसलिए मैंने न्यूड लिपस्टिक का यूज किया, बट मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया इसलिए मैंने फिर इसे चेंज कर लिया और अब मैं हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ जो रेड कलर की है। मैंने न्यूड लिपस्टिक के ऊपर ही इस लिपस्टिक को अप्लाई किया तो बिल्कुल ही डिफरेंट सा शेड निकल कर आया, लेकिन ये मुझे काफी पसंद आया और ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। इस लुक को आप आने वाले फेस्टिवल्स जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली और करवा चौथ में भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।